मराठा आरक्षण से जुड़ी अगली खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग में अभी भी जालना जो है वो जल रहा है। कई सालों पुरानी ये मांग फिर से उठने लग गई है और अब ये हिंसक रूप भी ले रही है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। यह मराठा आरक्षण का मसला सियासी तौर पर संवेदनशील बन गया है। पथराव, आगजनी, पुलिस से भिड़ंत की ये तस्वीरें आरक्षण की आग में जल रहे महाराष्ट्र के जालना की हैं। लगातार दूसरे दिन आरक्षण की मांग को लेकर कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को फूंक डाला। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कई जगहों पर अराजक स्थिति पैदा हो गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई सालों से सुलगी चिंगारी अब आग के अंगारों में बदलती दिख रही है। कल महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चौहान ने जालना में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और मराठा आंदोलन के नाम पर शिंदे सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों के साथ फिर से ज्यादती हुई तो वो पूरे महाराष्ट्र को सरकार के खिलाफ खड़ा कर देंगे। मराठा आंदोलन का नया मैदान बन चुका जालना सियासी पर्यटन स्थल में बदलता जा रहा है। आज कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले और एमएनएस नेता बाला नादगावकर भी प्रदर्शनकारियों से मिलने जालना जा सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जालना और आसपास के जिलों में राज्य ट्रांसपोर्ट की बस सेवा रद्द कर दी गई है। धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर बसों का परिचालन बंद है। औरंगाबाद से बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर जिले में भी बस सेवा प्रभावित है। मराठा आरक्षण की मांग नई नहीं है। इससे पहले भी आरक्षण के लिए मराठा अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। कानून के जरिए महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो दे दिया, लेकिन 3 साल बाद इसमें फिर तब्दीली आ गई। दरअसल मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 16% मराठा आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इससे 50% की आरक्षण सीमा पार हो सकती है, यानी आरक्षण की जो संवैधानिक सीमा है उसका इस फैसले से उल्लंघन होता है। इसके पहले की उद्धव सरकार और वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के हाथ बंधे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चल रहा है, लेकिन मराठा हैं कि अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। जालना से नीतीश महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।